दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आप लैपटॉप या फिर मोबाइल में अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंट्रोल पैनल ओपन करिए, देन नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाइए, देन व्यू नेटवर्क एंड स्टेटस में जाइए, देन चेंज अडेप्टर सेटिंग्स में जाइए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक USB वायरलेस लैन कार्ड है। अब आप सर्च में जाइए एंड टाइप करिए कमांड प्रॉम्प्ट, एंड कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। देन आप उसमें टाइप कीजिए NetSH LAN सेट होस्टेड नेटवर्क modes equals to allow SSID equals to जो आपको अपने हॉटस्पॉट का नाम रखना हो वो रख दीजिए, जैसे मैंने हॉटस्पॉट ही रखा है। एंड की इज द पासवर्ड, की आपका पासवर्ड होगा हॉटस्पॉट का, तो मैंने इसे पासवर्ड ही रखा है। उसके बाद एंटर प्रेस करिए, देन आप नेक्स्ट कमांड टाइप कीजिए NetSH LAN स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क, उसके बाद एंटर प्रेस करिए, जिससे कि आपका हॉटस्पॉट ऑन हो जाएगा। अब आप अपना नेटवर्क कनेक्शंस ओपन करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा हॉटस्पॉट अब बन चुका है, हमारा हॉटस्पॉट आ चुका है। इसे हम रीनेम कर देंगे एज Wi-Fi/hotspot। इसके बाद आप अपने वाईफाई के प्रॉपर्टीज़ में जाइए, देन शेयरिंग में जाइए, यहाँ से आपको अलाउ पे क्लिक करना है और जो होम नेटवर्किंग कनेक्शन में नेम है उसे सेम नेम इन वाईफाई हॉटस्पॉट देना है जो हमने हॉटस्पॉट का दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको चेक करना है कि आपके हॉटस्पॉट के साथ कौन कौन कनेक्ट है, तो आप CMD में टाइप कीजिए NetSH LAN show hosted network। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट्स 1 है, तो यानी हमने ही इसे कनेक्ट किया है। अगर आपको इसे हॉटस्पॉट को बंद करना है तो आप टाइप कर सकते हैं NetSH LAN stop hosted network, जिससे कि आपका हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।